अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में अमानतदारी नहीं उसमें ईमान नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा गुनाह पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूले भटके आदमी को सही रास्ता बताना सदका है। नाशुकरी से अजाब आता है। अल्लाह ताला कुरान अजीम में फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम पर नेमतें ज्यादा करेंगे और अगर नाशुकरी करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वजन करने वाले से फरमाया कि जब वजन करो तो झुकता तोला करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं दो साथ मिलकर काम करने वालों के साथ होता हूँ जब तक कि कोई साथी खयानत ना करे। जब कोई एक भी खयानत करता है तो मेरी मदद उठ जाती है। फरमाने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला है, बेटियों से ज्यादा दिल जोई रखे कि इनका दिल बहुत थोड़ा होता है। बाजार में अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले के लिए हर बाल के बदले में कयामत में नूर होगा। आप सभी को जुम्मा मुबारक।